Hello everyone, in last video we discussed about the stability of DNA and some problem related to the DNA. तो आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे स्टेबिलिटी वाले को. देखिए स्टेबिलिटी में हमने बात करी थी कि जो स्टेबिलिटी आएगी वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आएगी. जितने ज्यादा एच बॉन्ड होंगे स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, हमने देखा था कि जी और सी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड था जिनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी. ए और टू में बेटा डबल बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए. तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी. हमने देख लिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का जो खुद का डीएनए और बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ द जी एंड सी. ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए वहां पर जी और सी दे चुके हैं ज्यादा. कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि विच वन हैव द मोर अमाउंट ऑफ जी एंड सी, ह्यूमन बींग और बैक्टीरिया, बोथ इक्वल नन ऑफ दीज. तो इसमें आएगा कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें रेशियो की अगर हम बात करें तो जी और सी का रेशियो ज्यादा होगा. ठीक है, फिर हमने बॉन्डिंग की बात करी थी कि बेटा जो बॉन्डिंग हो रही है वो प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में हो रही है. एक प्यूरिन यूज होता है और एक पायरिमिडिन होता है. प्यूरिन प्यूरिन के बीच में क्यों नहीं होता है और पायरिमिडिन पायरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है वो यहाँ पर समझाएगा. बोला कि एक प्यूरिन का जो साइज है दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम और एक पायरिमिडिन का जो साइज है दैट इज द 8 एंगस्ट्रॉम. अगर बेटा प्यूरिन प्यूरिन आपस में बॉन्ड करते, प्यूरिन और प्यूरिन आपस में अगर बॉन्ड करते तो साइज कितना आता 84. जिसे मान लो यहाँ पर हो जाता कितना 24 हो जाता. 12 और 12 कितने हो गए 24 हो गए. तो यहां पर इसका साइज 24. अगर पायरिमिडिन और पायरिमिडिन होता तो 8 प्लस 8 कितना आ जाता 16 आ जाता. तो यहां पर इनका साइज कितना रहता 16. तो कहीं से जो नाइट्रोजन बेस है अटैच रहता और कहीं से फ्री रहता. तो उस चीज को भी सोल आउट करने के लिए नेचर ने किसको सिलेक्ट किया है, बॉन्डिंग बिटवीन वन प्यूरिन एंड वन पायरिमिडिन के बीच में सिलेक्ट करें, जिसकी वजह से ओवरऑल डीएनए पूरे के पूरे डीएनए में कैसे साइज होगा इक्वल साइज होगा. ठीक है, ये हमने लास्ट पॉइंट देखा था. तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू मेंटेन द इक्वल साइज इन डीएनए नेचर सेलेक्ट नेचर सेलेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन बिटवीन वन प्यूरिन एंड वन पायरिमिडिन. जो बॉन्डिंग है वो एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन के बीच में होती है जिसकी वजह से उनका साइज इक्वल मेंटेन रहता है. ठीक है, और कौन से फैक्टर हैं डीएनए की स्टेबिलिटी को लेके वो भी हमें यहां पर देखने. बेटा एक फैक्टर आ जाता है उनका अरेंजमेंट कि वो किस तरीके से अरेंज है. ठीक है, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं और कौन कौन से फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए. देखिए डीएनए के केस में जो नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजनस बेस किधर है, अंदर की तरफ है. नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जिसे ए और टी मान लो अंदर है, जी और सी अंदर की तरफ है ना. तो बेटा इसका फायदा क्या हुआ कि नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ आ गए, इसका फायदा क्या है. इसका फायदा ये है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं दे आर द हाइड्रोफोबिक इन नेचर. नाइट्रोजनस जो बेस हैं दे आर हाइड्रोफोबिक नेचर के. ठीक है, और देखो जो बाहर की तरफ जो स्टैंड होगा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो फोस्फेट सुगर फोस्फेट सुगर फोस्फेट सुगर इनका बना हुआ रहेगा, ये कैसे हैं, दे आर द हाइड्रोफिलिक नेचर. सुगर एंड फोस्फेट आर हाइड्रोफिलिक नेचर. कैसे नेचर के हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं. तो इससे फायदा क्या हुआ कि देखो जो फोबिक है वो अंदर की तरफ चला गया, क्या वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा.
तो पानी के कांटेक्ट में कौन आ रहा है, जो फिलिक वाले कंपोनेंट हैं वो आने लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक फोबिक नाइट्रोजनस बेस विल रिमेन इन साइट और अवे फ्रॉम द वाटर, विच गिव मोर स्टेबिलिटी, जो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, सबसे मेन हो गया था हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, वैसे तो वीक बॉन्ड है लेकिन ज्यादा नंबर में वो स्टेबिलिटी देगा। दूसरा हो गया हमारा कि नाइट्रोजन बेस क्या है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। बेटा तीसरा है, बोलते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर अरेंज इन स्टैक मैनर। स्टैक का मतलब जैसे कि आपकी दरार होती है या फिर रैक जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें किताब एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है लाइब्रेरी में, उसी तरीके से स्टैक मैनर में बोला गया कि बेस पेयर आर अरेंज इन इन स्टैक मैनर ऑन ईच ओवर, एक दूसरे के ऊपर वो अरेंज होंगे। हमने कल रोटेशन की भी बात करी थी कि स्टार्टिंग में तो बोला गया था कि जो डीएनए है वो 36 डिग्री पे ट्विल्टेड है, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो ट्विल्टेड है वो कितने पे है, 34.6 डिग्री के ऊपर क्या है, ट्विल्टेड है। तो वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, तो जो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेटा, तो एक रीजन आपका ये आ जाएगा। तो यहां पर ये सारे के सारे रीजन हो गए जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में हमें बात करनी है, ये तो स्टेबिलिटी के बारे में बात। अब हमने बोला था कि जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वहां पर जो एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड था काफी ज्यादा हेल्पफुल था, तो हमें एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के बारे में बात करनी है। एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड बेटा नाम अनाउंस हुआ था वाटसन और क्रिक का, तो वहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि तो वाटसन और क्रिक जी ने तो मॉडल दिया डबल डीएनए हेलिक्स मॉडल, तो उनका नाम अनाउंस हुआ फॉर द नोबेल प्राइज। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि वाटसन और क्रिक ने दो दूसरे साइंटिस्ट थे रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंसन, उनके डाटा को चुराया था और उनको अपने मॉडल में यूज किया। ठीक है, कुछ काम वाटसन और क्रिक का खुद का था और कुछ उन्होंने डाटा ले लिए थे किसके, रोजालिंड फ्रैंकलिन के और विल्किंस के, और उन्होंने उस चुराए हुए डाटा को खुद के उसमें अप्लाई किया और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पेश कर दिया। तब ये चीज फ्रैंकलिन और विल्किंस को पता चली तो उन्होंने केस किया, बोला ये तो सारी चीज डिस्कवरी जो है वो तो हमारी है। ठीक है, तो फिर बाद में उन चारों का नाम अनाउंस हुआ फॉर द नोबल प्राइज। बट बेटा जो नोबल प्राइज मिला था वो सिर्फ तीन को मिला था, वाटसन को, क्रिक को, विल्किंसन को। जो रोजालिन फ्रैंकलिन जो लेडी थी उसकी डेथ हो गई थी नोबल प्राइज मिलने से पहले। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि देखिए जो नेम अनाउंस हुआ था फॉर द नोबल प्राइज वो हुआ था वाटसन और क्रिक का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडल दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने डाटा चुरा रखे हैं किनके, रोजालिन के और फ्रैंकलिन के, तो जिसकी वजह से उनका जो नाम था चारों का अनाउंस किया गया फॉर द नोबल प्राइज, बट लास्ट में जो रोजालिन जो फ्रैंकलिन लेडी थी उसकी डेथ हो गई, तो जो नोबल प्राइज मिला था वो सिर्फ और सिर्फ तीन को ही मिला था। ठीक है, अब एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड क्या है, ये कैसे हेल्प करती है, इसके बारे में हम एक बार हल्का सा आइडिया देख लेते हैं। देखिए एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड है कि किसी भी चीज के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है किसकी, एक्सरे रेडिएशन की। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड होगी और जो स्कैटर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सरे फिल्म के ऊपर ले लिया जाता है और उसको एनालिसिस करा जाता है, उसी को हम एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड
बोम्बार्डमेंट ऑफ, बोम्बार्डमेंट के मतलब बोछार ऑफ एक्सरे रेज इन सच ए मैनर मैनर विच गिव स्ट्रक्चर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, कुल मिला के एक्सरे रेडिएशन डाली जाती है जिसको एक्सरे फिल्म पे लोड करके और उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, और इसी एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड का यूज क्या था लिनस पोलिंग ने फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड का यूज और किस साइंटिस्ट ने किया था, तो यहां पर हम लिख लेते हैं दैट इज लिनस पोलिंग यूज एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड टू स्टडी द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उन्होंने भी एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड का यूज किया था। ठीक है, और बेटा इसी एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड की सहायता से पता चला था कि जो डीएनए के बीच में जो गैप है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रम का है, जो उन्होंने वाटसन क्रिक मॉडल ने खुद के मॉडल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये चीज पता किसे चली थी, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से पता चली थी। तो साइज या फिर गैप बिटवीन टू बेस पेयर इन ए डीएनए हेलिक्स इज 3.4 एंगस्ट्रम, दैट इज एक्सप्लेन बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन। लेकिन बेटा ये चीज भी किसने यूज करी, वाटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में यूज कर ली थी। ठीक है, यहां पर मैं दो नाम लिख रहा हूं, एक तो है रोजालिन फ्रैंकलिन का जो एक लेडी थी, एंड मॉरिसे विल्किन मॉरिसे विल्किन। एक्चुअली में जो ये रोजालिन फ्रैंकलिन थी वो मॉरिसे विल्किन की लैब के अंदर काम करती थी। ठीक है, दोनों ने एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड का यूज किया था और जो डीएनए की जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर थी उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो बोथ वर्कड ऑन डीएनए एंड गिव बेटर डाटा। ठीक है, बेटर डाटा दिए थे अबाउट द डीएनए, बट बेटा जो पोल जो ये था पोलिंग था इसने इनके डाटा को गलत इंटरप्रेट किया, इनकी उसको गलत समझा और इसने बताया कि जो डीएनए दैट इज द थ्री स्टैंडर्ड जिसे हम डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं, लेकिन जो पोलिंग था उसने बोला कि जो डीएनए स्टैंडर्ड वो कैसा है, थ्री स्टैंडर्ड है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने बताया था कि जो डीएनए वो थ्री स्टैंडर्ड है, तो यहां पर आ जाएगा पोलिंग जो पर हमने पढ़ा था लिनस पोलिंग वही है, हैड एनालाइज्ड द वर्क ऑफ एस ब्यूरे, यानी इसने एस ब्यूरे और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके काम को पढ़ा और खुद का एक मॉडल दे दिया, एंड इनकरेक्टली Propose that DNA was, if a DNA is
ट्रिपल हेलिक्स, यानी कि इसके अंदर तीन हेलिक्स है। और तब की ये चीज कैसी थी? गलत। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड काफी ज्यादा हेल्पफुल था, लेकिन डाटा बेटा किसने चुरा लिए थे? वाटसन क्रिक ने, और खुद के मॉडल में यूज कर लिए थे। ठीक है, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड क्या है? मैंने आपको बता दिया था कि एक्सरे फिल्म का यूज करना, स्कैटर्ड फॉर्म में उसकी इमेज लेना और फिर उसके बारे में बताना किसी भी चीज के लिए, दैट इज द एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड। ठीक है, किसने डील किया था? रोजालिन फ्रैंकलिन और जो मॉरिस विल्किंसन था, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। एक और फेमस नाम आता है यहाँ पर, दैट इज द एडविन चारकफ। ठीक है, एडविन चारकफ ने भी डीएनए के बारे में काफी कुछ बताया था, लेकिन उसकी बातें भी किसने यूज करी थी? वाटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में यूज करी थी। तो बेटा जो ये था एडविन चारकफ, उसका एक पॉइंट माना जाता है, दैट इज द होल मार्क ऑफ डीएनए। काफी जरूरी बात इसने बताई थी, हम देखते भी। तो सेकंड एक दूसरी चीज आ जाती है, दैट इज चारकफ रूल बोलते इसको, चारकफ रूल्स। ठीक है, काफी काम की चीज है चारकफ रूल्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कंपटीशन एग्जाम में इसके बेस्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एडविन चारकफ, एडविन चारकफ गिव सम रूल्स और पॉइंट्स ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कई बार पूछा जाता है कि जो एडविन चारकफ ने जो रूल दिए थे वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो दैट इज एप्लीकेबल ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कई बार बोलते हैं जो एडविन चारकफ के जो रूल है वो डीएनए के ऊपर लगते हैं। बोलते ठीक है, बोले डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो या डबल स्टैंडर्ड, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएनए लिखा था, सिंगल स्टैंडर्ड था, डबल स्टैंडर्ड, ये तो बताया नहीं है। तो यहां पर मैं पहले लिख रहा हूं कि एप्लीकेबल ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉट एप्लीकेबल ऑन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके ऊपर नहीं। अब एडविन चारकफ जी ने डीएनए से रिलेटेड कौन कौन सी बातें बताई, वही यहां पर रूल बन गई है। कौन कौन से पॉइंट बताए वो चीज देखिएगा। पहला पॉइंट बोला कि प्यूरिन और पाइरिमिडिन के नंबर क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन विल इक्वल। ठीक है, नंबर बोल दो, अमाउंट बोल दो, बेटा बात एक ही रहेगी, ये हमेशा कैसे रहेगी? इक्वल ही रहेगी। ठीक है, आपको पता कि जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन के बीच में होती है। तो भाई डीएनए में अगर मान लो 10 प्यूरिन है तो 10 ही क्यों होंगी? पाइरिमिडिन होगी, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो हमेशा एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन के बीच में चलने लग रही है। दूसरा है कि जो डीएनए में अमाउंट है ए और जी की, दैट विल बी इक्वल टू द, ऐसा लिख सकता हूं मैं, अमाउंट ऑफ प्यूरिन, जैसे कि ए प्लस जी, ये तो प्यूरिन हो गए ना, ए और जी क्या है? प्यूरिन। दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पाइरिमिडिन, टी प्लस सी, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पाइरिमिडिन। ये दोनों के दोनों बेटा क्या है? प्यूरिन। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? पाइरिमिडिन कहलाएंगे। अगर आपके दिमाग में बात चल रही हो कि जी आपने यू क्यों नहीं लिखा, वो भी तो पाइरिमिडिन है, तो बेटा सीधा सा आंसर है कि जो यू है यूरेसिल, वो आरएनए के अंदर काम आता है, ना कि डीएनए के अंदर। तो इसलिए हमने यू नहीं लिखा है, क्योंकि हम डीएनए के बारे में बात करने लग रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात देखिएगा, यहां पर बोला गया कि ए प्लस जी अपॉन में टी प्लस सी इज इक्वल टू वन, कितना होगा? ये वन होगा। एंड दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज, दिस
वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर फॉर ऑल स्पीसीज, सभी स्पीसीज के लिए ये सेम है। देखिए कैसे, एक बार इसको हम समझते हैं कि ये पॉइंट कैसे दिए जा रहे हैं। देखो मैं छोटा सा एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इधर जो ओपन स्टैंडर्ड है वो बनाता हूँ। पोलैरिटी लिख दो मैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5, ऐसे लिख दिया मैंने। मान लो इधर लिख दिया ए टी टी जी सी सी, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर अगर ए है तो यहां पर क्या जाएगा टी, टी है तो इधर क्या जाएगा ए, टी है तो आ जाएगा ए, जी है तो सी, सी है तो जी और सी है तो जी, ठीक है। ऐसे मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अभी देखो कि प्यूरिन जो ए है उसके नंबर कितने, मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करके दिखा रहा हूं जो भी अभी तक आपने लिखे ऊपर। यहां पर आप देख सकते हो कि प्यूरिन ए के नंबर 1 2 3, तीन क्या हो गए आपके ए हो गए, ठीक है, तीन ए हो चुके हैं, ठीक है। जी कितने बेटा 1 2 3, जी कितने हो गए हैं 3 जी हो चुके हैं, टोटल कितने हो गए हैं भाई 6 हो चुके हैं हमारे पास में, 3 ए और 3 जी, टोटल 6। अभी देखो टी कितने हमारे पास में 1 2 3, हमारे पास 3 ही क्या आ रहे हैं भाई, टी आ रहे हैं। और सी कितने आ रहे हैं 1 2 3 प्लस में 3 सी अंत लग रहे हैं, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, हमारे पास में ए कितना आ रहा है 3, जी कितना आ रहा है 3, दोनों का टोटल क्या 6 है और 6 ही इधर आने लगे तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ए जी अपॉन में टी सी, ए जी की वैल्यू हमारे पास में बेटा कितनी आ रही है बोलो, टोटल करने पर कितना आ रहा है हमारे पास में 6 आ रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये तो एक्सप्लेनेशन थी दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थी, अब ये तीसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। ए प्लस जी अपॉन में टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ऐसा बोलते हैं। अब देखो ए प्लस जी के नंबर कितने हैं भाई 3 प्लस 3, टी प्लस सी के कितने बेटा 3 प्लस 3, तो 6 अपॉन 6 गिव द, बोलो फिक्स आया कि नहीं आया, तो ये फिक्स है, तो इसलिए ये बोले गए। और ये जो रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर इसलिए एप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूं, ये ध्यान देना ये कंफ्यूज करने वाला, और यहां से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर ऐसे लिख दिया जाए ए प्लस टी और जी प्लस सी, भाई ए टी के साथ बॉन्ड करता है और जी सी के साथ बॉन्ड करते हैं, तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी फिक्स और वेरिएबल, बोलो ये वैल्यू फिक्स होगी या फिर वेरिएबल होगी, तो दिस इज द वेरिएबल, ये वेरी करेगी, ठीक है। और ये हर एक स्पीसीज के लिए कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, तो स्पेसिफिक फॉर फॉर ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के लिए क्या होगी ये स्पेसिफिक होगी बट वेरी फ्रॉम फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन बेटा अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग होगी। कैसे, मैं आपको पहले बार डाटा लेके दे देता हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, ह्यूमन में जो इसकी वैल्यू है वो है आपकी 1.52, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यूकैरियोटिक में कितनी होगी, मोर देन 1 होगी, मोर देन 1 इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो ए प्लस टी अपन में जी प्लस सी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, इनके शब्द यूकैरियोट्स। अगर मैं इकोलाई की बात कर दूं, इकोलाई बैक्टीरिया की, ठीक है, एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया, वहां पर जो वैल्यू दैट इज 0.92, तो लेस देन 1 होगी बेटा फॉर
प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में ये वैल्यू ऐसे, देखिए कैसे, मान लो मैंने बना दिया कि ये डीएनए बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, पोलैरिटी लिख दिया मैंने 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। आपको पता है कि एंटी पैरेलल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बेटा मैंने यहां पर लिखी है सीक्वेंस ए ए टी टी जी सी ए, ऐसे लिख, ठीक है, इसके अपोजिट आप बता सकते हो, ए के अपोजिट क्या जाएगा टी, ए के अपोजिट में टी, टी के अपोजिट में ए ए, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में जी, और यहाँ पर टी, ठीक है। देखो आपको एक स्टैंड की इंफॉर्मेशन, एक सीक्वेंस का पता था, दूसरी सीक्वेंस आपने खुद अपने आप पता लगा ली, दैट इन ऑन द कंप्लीमेंट्री नेचर, है ना, एक सीक्वेंस का पता था, दूसरी सीक्वेंस हमने अपने आप पता लगा ली, तो दैट नेचर इन ऑन द कंप्लीमेंट्री नेचर, ठीक है, ये आगे डिटेल से देखेंगे डेफिनेशन छोटी छोटी। अब यहां पर देखो ए प्लस टी हमें देखना है, ए कितना है भाई, एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, मैंने सिर्फ टोटल करा है ए और टी का, ए आप चाहो तो अलग कर सकते हो, टी चाहो तो अलग कर सकते हो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, यहां पर क्या हो गए, ए कितने, एक दो तीन चार और पांच है, तो पांच ही हो गए, टी कितने, एक दो तीन चार पांच, जितने ए उतने क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे, तो ये हो गए, जी कितने हमारे पास में, एक और दो, चाहो तो आप अलग कलर से भी सर्कल कर सकते हो, ठीक है, तो जी हमारे पास में कितने हैं, दो, बेटा सी कितने हैं, दो, तो दस और अपॉन में चार, तो वैल्यू आ रही लगभग 2.5। तो अगर 2.5 है तो मतलब ये डीएनए किसका हो गया, किसी यूकैरियोटिक सेल का हो गया, ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो चीज है वो आपकी वेरी करेगी स्पीसीज टू स्पीसीज, और बेटा ये जो पॉइंट है, जो एर्विन चार्गव का जो ये पॉइंट है, वो हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डील करने में भी हेल्प करता है। अगर मान लो हमें किसी का फॉसिल मिला है तो हम देख के बता सकते हैं उसकी वैल्यू देख के कि किस स्पीसीज का होगा, क्योंकि हर एक स्पीसीज के लिए कैसे होगा, स्पेसिफिक होगा, अगर हमें पहले से किसी स्पीसीज का पता है तो उससे हम मैच करके बता सकते हैं कि किस स्पीसीज का फॉसिल है, ठीक है, आई थिंक शायद ये आपको क्लियर होगा एडविन चार्ल्स के पॉइंट। और क्या क्या पॉइंट दिए थे बेटा उसने, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नंबर ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट विल बी इक्वल, नंबर ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट विल बी इक्वल, बराबर होंगे, कल हमने इसका न्यूमेरिकल देख लिया था न्यूक्लियोटाइड का, लास्ट वीडियो बेटा आप देख सकते हो, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज वो पीछे के एक दो वीडियो देख ले, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा, हमने न्यूमेरिकल डील कर लिया। उसके बाद में प्यूरिन एडिनिन इज इक्वली मोलर टू द पायरिमिडिन, भाई जो ए है वो इक्विमोलर है, इक्विमोलर टू टी, इसी तरीके से जो जी है दैट इज इक्विमोलर टू सी, ठीक है, ये जो पॉइंट था कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड करेगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड करेगा, दैट इज नोन एज द हॉलमार्क ऑफ डीएनए मॉडल, ध्यान देना इसके ऊपर, हॉलमार्क ऑफ डीएनए मॉडल, हॉलमार्क शायद आप समझते होंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हॉलमार्क आते हैं, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक हॉलमार्क होता है जो उसकी प्योरिटी को या उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाटसन और क्रिक ने ये पॉइंट यूज किया था, लेकिन ये पॉइंट भी किसका गिवन था, एर्विन चार्ल्स का था, तो कुल मिला के बात यह कि वाटसन और क्रिक जी ने अलग 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 साइंटिस्ट के डाटा यूज करे, उन सबको चुरा के एक बेस्ट मॉडल बना दिया जिसको बोला गया डबल डीएनए हेलिक्स मॉडल, जिसके लिए उनका नाम अनाउंस हुआ फॉर द नोबेल प्राइज, ठीक है बेटा, ये थे एर्विन चार्ल्स या चार्ल्स रूल, जहां से क्वेश्चन छोटे छोटे बना लेते हैं, और खास करके जो सबसे खास जो पॉइंट है वो आपके ही है,
ए प्लस में टी अपॉन में जी प्लस सी, ये सबसे मेन है, जहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा आई थिंक शायद क्लियर होंगी एरविन चार्ज ऑफ रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ दूसरे टॉपिक की। आई होप शायद आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच।